ॿियो खेल को पियो आहे न ॿियो ख़ैराल तव्हांजी दुआऊं खपनि असांखे ॿुधी ट्रेवलर आपके साथ और हैदराबाद का सफर, हैदराबाद से लेकर शहदादकोट शहर का सफर, यहाँ के तारीख़ी बाज़ार जो कि बहुत मशहूर है और यहाँ सिंध में जो बाज़ार हुआ करते थे वो उनको छोटे से बाज़ार होते थे और उनके आप देख सकते हैं कि छतें बड़ी जो है वो डिफरेंट किस्म की होता हुआ करती थी, ऐसे लगता था कि जैसे कोई शहर तारी हो, अंधेरा होता है। तो ये छोटे छोटे से बाज़ार हुआ करते थे। तो यहाँ बाज़ारों की क्या कैफियत है और यहाँ किस तरह की ख़रीदारी है, हम आपको शहर ले जाएँगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह साईं, शहदादकोट शहर का हम विज़िट कर रहे हैं। यहाँ की बाज़ार कितनी पुरानी है, यहाँ का जो शाही बाज़ार है? कितने साल हो गए इस बाज़ार को? 40-50 साल हो गए। 40-50 साल, 40-50 साल हो चुके हैं। हाँ, हो चुके। तो ये क्या यहाँ ज़्यादा कारोबार होता है? बस ये हर चीज़ यहाँ बहुत है। अच्छा, ये कपड़े का कारोबार है आपका? हाँ। कहाँ से आप पंजाब से लेकर आते हैं या फिर कराची से? फैसलाबाद, कराची, सक्कर। अच्छा, वहाँ से लेकर आते हैं। हाँ। साईं, आपका नाम क्या है? वजीर अहमद साईं। साईं, ये कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? असा नओ खोलियो आरी अन्या। बाकी बाजार तो माशाल्लाह पुरानी आ है ना। पुरानी बाजार। हां, बाजार। अच्छा, केड़े किस्म जो कम थिंदो आ? मतलब बिजनेस कारोबार हर शहर में मिलंदी है ना? इते हर शहर जो शॉप साईं दुकान। हां, अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर रियायती सा सुठे में मिलंदी आ। बाकी असा हम तो नए है ना। ॿियो खेल को पियो आहे न? ॿियो ख़ैराल तव्हांजी दुआऊं खपनि असांखे ॿुधी। अच्छा, कहिड़ा प्रॉब्लम आहिनि हिते काफ़ी जेके माण्हुनि सां? हम त नए है न, पर जेके माना पुराणा आहिनि उन्हनि खां पुछा करे सघो था, इहे सारे पुराणे हैं, हम नए हैं। अच्छा, चलो ठीकु है। बाज़ारि अलमला सही आहे। अभी रश नहीं है? अभी कम है न थोरो। अच्छा, चलो ठीकु है जी, हम आगे जाएंगे कुझु मार्क। हा हा, काफ़ी सारी बारी न थी हुई, को फसल न थी, आबादी न थी। अच्छा, आप वैसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? इंटर में। अच्छा, इंटर में पढ़ रहे हो, किस में? मेडिकल में या इंजीनियरिंग में? मेडिकल में पढ़ रहे। अच्छा, मेडिकल में। आपका क्या इरादा है फ्यूचर में? फ्यूचर में पढ़ना भी है और कारोबार भी फिलहाल चल रहा है। अच्छा, तो आगे के क्या इरादे हैं आपके? आपके इरादे तो बहुत मजबूत हैं। मेडिकल में डॉक्टर बनने का इरादा है? डॉक्टर बनने का इरादा है, अल्लाह बनाएगा। अच्छा, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? हम कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये जगह गवर्नमेंट है, प्राइवेट है? गवर्नमेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट में आपको पढ़ते हैं? हाँ। चलो ठीक है, कारोबार में बहुत ज़बरदस्त है, आपका पहला एक्सपीरियंस है। हाँ, चलो जी, मेरी बहुत सारी दुआएं। वैसे कपड़े के कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत रखी है बहुत ज़्यादा। हाँ। अगर ईमानदारी से करें। हाँ हाँ, ईमानदारी से तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलो जी, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपका शहर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ पर सिख मोहब्बत बहुत बड़ी है। अच्छा। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपका शहर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ पर सिख मोहब्बत बहुत बड़ी है। अच्छा। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो जी, आप ये बाज़ार देख सकते हैं और यहाँ देखें, और मुख्तलिफ जो है वो कारोबार है, बहुत पुराना। आप हम कैमरामैन से कहेंगे कि देखो, ये तारीख़ी जो है वो ये छतें बहुत पुरानी हैं। पहले ही क्या होता था कि इस तरह की जो है वो छतें हुआ करती थी और इस तरह से जो है वो इनको ढांका जाता था। तो आप चलते हैं आगे, हम आपको जो है वो मनाजिर दिखाते हैं पूरे बाज़ार के। ओके जी, हम शहदादकोट का विज़िट कर रहे हैं। हैदराबाद का सफ़र था, हम शहदादकोट आए, यहाँ बाज़ार आपको दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। यह एक ज्वेलर्स की दुकान है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, क्या हाल है आपके? कैसा लग रहा है? अच्छा, यहाँ कारोबार का क्या हिसाब है, यानी सोने का क्या हिसाब किताब है, कैसे है? क्योंकि हैदराबाद, कराची के और यहाँ के रेट्स में कुछ फ़र्क है या सेम रेट्स हैं? तकरीबन 200-250 का फ़र्क है। तो अच्छा, यहाँ लोग वैसे कहते हैं कि लाड़काना, शहदादकोट का, इस इलाके का जो है वो सोना बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या खास बात है? कोई लोग बात कह रहे हैं, बंदा अच्छा है तो सोना अच्छा है, ठीक है ना? ये तो वही बात है ना, जो दूध में पानी मिला हो।
अच्छा क्वालिटी वही सेम होती है? सेम होता है, बंदे का फर्क होता है, कारोबार का फर्क होता है। लोग वैसे ज्यादा आमतौर पर ये कहते हैं कि ये जो है ना वो यहाँ का सोना अच्छा मिलता है, ये है कि वो ईमानदारी से लोग काम करते हैं तो वो क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छी है, वही सोना है, ये नहीं है कि पुराना सोना अच्छा है अब ये सोना सही नहीं है, नहीं नहीं वो बात नहीं है। अच्छा आप ये कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 30 साल हुए हैं। अच्छा 30 साल हो चुके हैं जी जी सर। तो ये है कि आपका अल्लाह का शुक्र है गुजर सफर अच्छा होता है, फर्स्ट क्लास। अच्छा इसमें ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है तो लोग इसमें मिलावट करते हैं, बहुत बेईमानी से काम करते हैं। जी जी आते हैं, वो भी चीज़ आते हैं, लेकिन है कि वो उनको बरकत नहीं होती है, वो बात नहीं है। अच्छा आपने ऐसे देखा है कि इसी आपकी फील्ड में लोग जो है वो जो मिलावट करते हो 2 नंबर करते हो उनको देखा है कि आपने ज़िंदगी में के बहुत सारे उनके साथ प्रॉब्लम्स हुए हों कि उन्होंने एकदम पैसा तो बहुत ज़्यादा बना लिया लेकिन ऐसी बीमारियां हो गई या कोई ऐसे प्रॉब्लम हो गए कि वो सारे आ गए ऊपर चले गए फिर नीचे आ गए। यानी दूध का उबाल होता है कि दूध ज़्यादा उबलता है उसके बाद जब ठंडा होता है नीचे आ जाता है, नीचे जाता है, यही बात है। चलो जी हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे मुलाकात करके आपके शहर के, नहीं बहुत शुक्रिया। सिंध की मेहमान नवाजी वैसे बहुत मशहूर है, मैं खुद हैदराबाद में रहता हूँ तो वहाँ का शाही बाज़ार तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। हुसैन आपको खुश रखेगा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके ये बाज़ार आप देख रहे हैं और हम स्लो स्लो जो है वो जा रहे हैं और इस बाज़ार की जो है वो खूबसूरती आप देख सकते हैं और छोटी सी गलियां हैं तो एक शहर है शाही बाज़ार शदादकोट के शहर का और ख़ास तौर पर यहां का कारोबार बहुत ज़्यादा है। अभी इसका पीक सीज़न है क्योंकि चावलों की जब काश्त यहां पर होती है तो बहुत ज़्यादा कारोबार होता है क्योंकि इनका यही सीज़न है यहां के लोगों का। तो आप देख सकते हैं अभी दुकानें खुल रही हैं, तकरीबन 10-12 के करीब जो है वो यहाँ लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ। चलो हम इस दुकान में चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं, क्या हाल है आपके? दुआ है साईं। कैसा लग रहा है यहाँ के बाज़ार और शाही बाज़ार के हवाले से आप क्या बताएंगे, ये कितना पुराना है? ये साईं बहुत पुराना है साईं ये। अच्छा आप कितने सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं? हम साईं इधर कर रहे हैं 30-35 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा 30-35 सालों में 5-4 साल में पहले के क्या हालात थे, अभी जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है इसमें आप क्या समझते हैं कि लोगों ने कारोबार में इंटरेस्ट लिया है, दिलचस्पी ली है या फिर छोड़ दिया है? साईं पहले छोड़ दिया था, अभी क्यों, इसके क्या वजूहत हैं? महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत बढ़ गई ना, महंगाई की वजह से बाद में पैसा नहीं, खुशहाली नहीं है ना, मतलब वो बोलते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई तो घर के खर्चा भी नहीं होते हैं। अच्छा लोगों का भी रश आप समझते हो कि 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम है? अभी कम है सही, पहले ज़्यादा था, पहले 2-3 साल पहले बहुत रश होता था समझे, अभी बहुत कम हो गया। अच्छा अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये सीज़न है क्योंकि ये चावलों की फसल उतर दे तो लोग आते हैं तो इतना रश नहीं है अभी, खैर सुबह का टाइम है, आप क्या समझते हो कि रश होता है या? रश होता है पर कम होता है, पहले जैसा नहीं होता है रश, जो पहले होता था ना 2-3-5-6 साल पहले होता था, अभी वो रश नहीं होता है दुकानदारी। अब क्या कहेंगे इस हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को, इमरान साहब को क्या कहेंगे कि कुछ महंगाई कम करें ताकि गरीब लोग? महंगाई कम करेगा तो खुशहाली होगी सही मुल्क में, समझ भाई, महंगाई कम नहीं होगी तो सही गरीब आदमी पीस आ जाएगा तो सही। अच्छा सही, अब एक आपसे सवाल पूछेंगे कि यहाँ शदादकोट में तकरीबन कोई 2010-12 में पहले आया था तो यहाँ एक कोयटा से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आया करती थी और ईरान से यहाँ आया करती थी, वो अब आ रही हैं या नहीं आती हैं अभी? वो अभी नहीं आती सर, वो पहले लोग बहुत शौक से शदादकोट आते थे, यहाँ से चीज़ें जो ना वो ख़रीदने के लिए आते थे क्योंकि बाहर ममालिक की चीज़ें यहाँ मिलती थी। सही मिलती थी सही, अभी नहीं मिलती हैं, अब नहीं है, क्यों? बस सब बंद कर दिया ना, तो बॉर्डर की वजह नहीं आते, थोड़ी सख्ती कर दी यहाँ पर। अच्छा चमन से जो वो चीज़ें आती थी कोयटा, कोयटा से फिर यहाँ आती थी, वो भी माल नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा अब वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आ रही हैं? आ रही है मतलब कम आ रही है, मतलब उसी नहीं सख्ती से आ रही है, थोड़ी पैसा भर के आते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं थोड़ा बहुत, पर वो मज़ा नहीं है यहाँ पर। अच्छा वो मज़ा नहीं है? नहीं नहीं वो मज़ा नहीं है। और यहाँ पर जो MNAs MPAs हैं इस शहर के अंदर कुछ काम वगैरह किए हैं या नहीं किए? काम इतना नहीं हो रहा है, जो काम होता है मतलब पैसा आता है पर वो काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा एक और बात ये कि यहाँ टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी, लोगों का बहुत ज़्यादा रोजगार था यहाँ पर, तो वो बंद हो गया? अब बंद हो गया, वो बेरोजगार ठप हो गया पहले। कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाई है? क्योंकि यहाँ MNA MPAs नादिर मक्सी साहब हैं, उन्होंने ये चाहा कि यहाँ पर लोगों को रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह लगाए? कुछ भी नहीं सही, कुछ भी बेरोजगार लगे पड़े हैं, आवाम परेशान लगे हुए यहाँ पर, क्योंकि पंजाब में वहाँ के जो MNA MPAs ने बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई हैं,
यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन एक यहाँ जी आपको बताते चले, यहाँ एक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग बेनज़ीर साहिबा ने बनवाई थी, तो उन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला करता था, लेकिन वो टेक्सटाइल मिल बंद हो चुका है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। अच्छा, आपने वो दौर देखा है कि जब मिल चला करता था, लोग बहुत ज़्यादा बहुत खुशहाली थे, उस टाइम कपड़ा बनता था वहाँ पर, धागा बनता था, वो याद है हमारे दिन से, बाकी कारोबार अच्छा था उस टाइम का। अच्छा, वो अब चीज़ें नहीं है, वो चीज़ नहीं है, मज़ा ही नहीं रहा अभी इंसान में वो। अच्छा, यहाँ कौन कौन सी कास्ट ज़्यादा रहती है शदातपुर में, कौन कौन से कास्ट हैं? शेख हैं, शाहिद शेख भी रहते हैं, कम्बो साहब भी रहते हैं, समझ आई, और कोई भी जाते हैं, मक्सी भी रहते हैं, चांडे साहब भी रहते हैं, समझे, हर कौम में, मतलब। अच्छा, हर कौम में, हर कौम रहती है, सिंधी भी रहते हैं, समझे। आपकी कास्ट क्या है? कम्बो है। अच्छा, आप यहाँ पर कम्बो हैं, तो पंजाबी स्पीकिंग बोलते हैं या सिंधी? सिंधी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ कम्बो वैसे पंजाबी कम्युनिटी है, लेकिन आप यहाँ सिंधी बोलते हैं? नहीं, हमारी पैदाइशी सिंधी है, सिंधी में, सिंधी की इधरी, हमारे बड़ों की पैदाइशी इधरी है सिंधी। अच्छा, मैंने अपनी जात तो नहीं बदलाया इंसान, नहीं, जात तो वो हमारी रही ना, सिंधी है। चलो जी, बहुत शुक्रिया कम्बो साहब, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और कुछ हम वीडियोस बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे कचहरी करेंगे। मेहरबानी। ओके ओके। आगा ट्रेवलर आपके साथ है, शदातकोट की शाही बाज़ार हमने आपको दिखाई है और यहाँ के लोगों से हमने मुलाकात की है, तो बहुत अच्छा लगा। कारोबार के लिहाज से वही सब महंगाई का रोना रो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं और हम चाहेंगे कि चीज़ें सस्ती की जाएँ ताकि लोग कारोबार कर सकें। बहुत बेहतरीन बाज़ार है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त कोऑपरेट किया। आगा ट्रेवलर मेरा चैनल है, मैं पूरे सिंध आपको जो है वो घुमाता हूँ, मुख्तलिफ तारीखी हिस्टोरिकल मकामात आपको दिखाता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिंध की तारीखी मकामात, सिंध के तारीखी शहर मैं आपको दिखा सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगा ट्रेवलर के नाम से मेरा चैनल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।